हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम पहले निफ्टी का व्यू देखेंगे, निफ्टी ने क्या करा पिछले हफ्ते और निफ्टी आने वाले हफ्ते भी कैसे परफॉर्म कर सकती है। पहले हम निफ्टी का व्यू देखेंगे, उसके बाद हम आने वाले हफ्ते के लिए मैंने जो स्टॉक्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं उसको देखेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम चारों ईएमएस का जो यूज़ करते हैं, 20, 50, 100 और 200, चारों ईएमएस प्लॉट की हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनाया हुआ है, जिसमें ये लोअर हाई और लोअर लो बना के नीचे आ रहा था। इसने अपनी यात्रा लगभग 18,600 से शुरू करी और 16,800-900 के आसपास आके ये रुक गया है। इसे अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने एक डब्ल्यू सा पैटर्न फॉर्म करा हुआ है, राइट। डब्ल्यू सा पैटर्न फॉर्म करा हुआ है और नीचे एक डाइवर्जेंस भी है, तो मतलब रिवर्सल होने का पूरा संकेत है। लेकिन हम इसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तब तक नहीं मानेंगे जब तक इसने 17,500 का जो लेवल है वो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करा हो। अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा है। एक कैंडल ने कोशिश करी लेकिन ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं आया और फिर से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक निफ्टी 17,500 या 17,600 के ऊपर कम से कम 1 घंटे के लिए ट्रेड नहीं कर लेता, तब तक हम इसे रिवर्सल नहीं मानेंगे। तब तक ये या तो साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेगा। ये था निफ्टी का व्यू। तो चलिए बढ़ते हैं इस हफ्ते के स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहला स्टॉक मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है, उसका नाम है ट्राइजन टेक्नोलॉजीज। ट्राइजन टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे है, ऊपर से ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हुए आ रहा है और आज इसने इस ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करी विद वॉल्यूम, लेकिन क्लोजिंग इसकी नीचे आ गई। हमारी जो इसमें एंट्री है 131.7 के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 103 के आसपास रहेगा। इसमें हम 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे और इसमें हमारी जो एंट्री है उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये सेटअप देख के एक्साइटमेंट में आके फोमो में आके ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो मैं एंट्री देता हूँ उसके ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक होने का वेट मतलब जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर कम से कम 5-10 मिनट ट्रेड करिए, उसके ऊपर कम से कम 5-10 मिनट ट्रेड करने दीजिए स्टॉक को, उसके बाद ही उसमें एंट्री करिए। उससे पहले एंट्री नहीं करिए, अननेसेसरी आपके स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ये था सबसे पहला स्टॉक ट्राइजन टेक्नोलॉजी। अगले स्टॉक की तरफ, अगला स्टॉक है हमारा जौहरी ग्लोबल लिमिटेड। जौहरी ग्लोबल लिमिटेड आप देख सकते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। यहाँ से इसने गिरना शुरू किया था 15 जुलाई के आसपास लगभग, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये 200 EMA को बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। एक बार इसने यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन इसका सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, दूसरी बार बाउंस हुआ, तीसरी बार बाउंस हुआ और अभी हाल ही में 30 नवंबर के आसपास चौथी बार बाउंस हुआ। तो ये जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 149.45, मतलब लगभग 150 रुपये के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। इसको जैसे ये ब्रेक करेगा तो ये ऊपर फायर कर सकता है। इसका 124 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। 150 रुपीज़ के ऊपर अगर एक भी 5-10 मिनट की कैंडल भी क्लोज होती है हमारी एंट्री इसमें एक्टिवेट हो जाएगी और हम 124 का स्टॉप लॉस लेके इसमें 1:3 का टारगेट राइड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है हमारा अशाही इंडिया। अशाही इंडिया आप देख सकते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो हम हर बार ढूंढने की कोशिश करते हैं वो उसमें बहुत ही अच्छे से बना हुआ है और प्लस 200 को भी 200 EMA को भी ये बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। इसमें जो हमारी एंट्री है वो 488 के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है 454 रुपीज़ का रहेगा। इसमें अगेन ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम से निकलेगा तो हम इसमें 15-20% मुनाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है हमारा UPL। UPL जो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे समय से कंसोलिडेट कर रहा था, इसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करा है 794 के आसपास, वहाँ उसके ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे जैसे अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, जैसे मैं खुद एंट्री करूँगा, मैं ऊपर इतना एंट्री नहीं करूँगा। मेरी पहली एंट्री जो मेरी पार्शल एंट्री होती है वो 747.65 के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी और इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 677 रुपीज़ का। ये डेली टाइम फ्रेम से निकलेगा, मतलब कम से कम इसमें हम 35-40% का मुनाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बढ़ते हैं इस हफ्ते का जो आखिरी स्टॉक मैंने आपके लिए निकाल के रखा है,
वो है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया आप देख सकते हैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। सारी ईएमएस एक दूसरे के ऊपर लैंड कर रही हैं, क्रैश नहीं कर रही हैं, ये सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है हमारा। और बहुत ही शानदार तरीके से ये ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है। आज इसने कई बार इसको तोड़ने की कोशिश करी लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 2538.6, मतलब 2540 के आसपास। इसके ऊपर जैसे ये कैंडल 3 घंटे की क्लोज देगी हमारी, इसमें एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2330 के आसपास रहेगा और इसमें हम 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे इस हफ्ते के लिए जो मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं। आपको इनमें से कौन से स्टॉक्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए डिसिप्लिन फॉलो करिए और रिस्क को मैनेज करिए, क्योंकि यही दो मात्र हथियार है एक रिटेल ट्रेडर के पास। धन्यवाद।